नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रायगढ़ में बीते दिनों कांग्रेसी पार्षदों व सभापति के साथ निगम आयुक्त के कार्यालय में निगम आयुक्त के साथ हुई विवादित घटना के बाद शहर की राजनीति में अब भूचाल सा आ गया है। वहीं निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के पक्ष में जिला भाजपा की पूरी टीम आ गई है। बीते दिनों कांग्रेसी पार्षदों और सभापति के साथ निगम आयुक्त की कार्यालय में हुई विवादित घटना के बाद शहर की राजनीति में अब भूचाल आने वाला है। नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के पक्ष में जिला भाजपा की पूरी टीम आ गई है सामने। इस विषय को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में हुई है अहम बैठक, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष के अलावा अन्य बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यालय में चल रही बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष एवं महामंत्री, सचिव, उपाध्यक्ष, इसके अलावा बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय कर लिया है कि वो कर्मठ नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चलेंगे। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिन ही सभापति के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कांग्रेस कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर उनके साथ निगम आयुक्त के व्यवहार को लेकर निंदा प्रस्ताव दिए जाने की मांग की थी। भाजपा भी अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और पूरी तरह से विवाद को शहर सरकार के ऊपर डाल दिया गया है और आयुक्त के पक्ष में पूरी भाजपा परिवार खड़ी नजर आ रही है। भाजपा ने इसे कमीशन खोरी और परसेंटेज की लड़ाई बताई है। आम जनता ने अपना मत शहर सरकार को विकास के लिए दिया था, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, शहर के विकास को छोड़कर जिस प्रकार कांग्रेसी ठेके और कमीशन की बात को लेकर सार्वजनिक रूप से एक होकर आयुक्त के चैम्बर के अंदर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक और लज्जाजनक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। साथ ही साथ पिछले एक साल से जिला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के सभी नेता लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि नगर निगम में कुछ भी अच्छा और सही नहीं चल रहा है। नगर निगम में ठेके में कमीशन के खेल के कारण पूरे शहर में चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से इस दो सालों में ध्वस्त हुई है, यह अपने आप में अत्यंत शोचनीय है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आम जनता के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देगी। हम आज इस संबंध में बैठक किए हैं, आगे आने वाले समय में हम सड़क पर उतरकर इस विषय पर लड़ाई लड़ेंगे और अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का सुधार नगर निगम में आम जनता के हितों को लेकर कार्य करने में नहीं हो सका तो किसी भी स्थिति में हम, चाहे आयुक्त हो, चाहे कांग्रेस की शहर सरकार हो, आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। जिस प्रकार से 152% के शुल्क को लेकर ये खुले आम छोटे छोटे गरीबों के आसियाने को तोड़ रहे हैं और उसको आक्सन के नाम पर अपने मन चाहते व्यक्तियों को दे रहे हैं, यह भी घोर आपत्तिजनक है। पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल लगातार ज्ञापन के माध्यम से सभी बातों का विरोध कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन को और शहर सरकार को समय दिए हैं कि जिन ज्ञापन में जिन बातों को हमने उठाया है उस पे वे गंभीरता से विचार कर सारे कार्यों को ठीक करें, और नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 22 पार्षदों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी और शहर सरकार को अपनी मनमानी करने नहीं देगी। आयुक्त और सभापति की बात में किसकी गलती मानते हैं आप?
जब से कांग्रेस की शुरू से परिपाटी रही है कि जब जब वो सत्ता में आई है तब तब अधिकारी और कर्मचारियों के दुरुपयोग करने का वे कार्य हमेशा करते रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि इसमें सभापति और आयुक्त किसकी गलती है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जहां कांग्रेस ठेके को लेकर लड़ाई लड़ रही थी वहां पे वही आयुक्त अपने कमीशन को लेकर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहा था और कांग्रेस ठेके को लेकर आयुक्त से लड़ाई लड़ रही है। दोनों की नुरा कुश्ती का नुकसान रायगढ़ के विकास को और आम जनता को हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।